हेलो स्टूडेंट, देखिए कल हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और बता चुके हैं कि कैसे संविधान में हम कई एक परिवर्तन कर सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या सिंपल सी कोई भी बिल आती है, एक्ट आती है, तो उसमें संशोधन समय और परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी फाउंडेशनल चीज़ें हैं जिसपे कभी भी परिवर्तन जो है कह सकते हैं उनकी करने की इजाज़त नहीं मिलती है, इनफैक्ट सरकार को भी। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम एग्जांपल्स के माध्यम से कल हमने समझा था, आज भी हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। और बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन जो अवधारणा है, यह सुप्रीम कोर्ट की देन है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की कह सकते हो कि यह उपज है। अब जैसे वेलफेयर स्टेट का जो मोटो है, इसे आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन या बेसिक कह सकते हो ना कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीनों ऑर्गन्स के अपने अपने जो है ना शक्ति पावर्स सब डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, बांटे गए हैं, डिवाइड किए गए हैं, तो उनमें जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है इन्हें आर्टिकल 32 के माध्यम से जो है कोर्ट को मिलता है, न्यायालय को मिलता है। तो कोई भी सरकार आ जाए, वो अपने बिल या संशोधन के माध्यम से इसे जो है हटा नहीं सकती कि नहीं भाई आज से कोर्ट को जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर हटा दिया जाता, नहीं। तो कुछ ऐसे फाउंडेशनल जो है कह सकते हो कि नियम कानून है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। हालांकि पार्लियामेंट को यह अधिकार है, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर बहुत सारी चीज़ों को जो है बहुत सारी क्या सब चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे अमेंडमेंट संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें कोई कह सकते हो ना कि आप चाहे कैसे मतलब कह सकते हो ना कि कितनी पावरफुल सरकार क्यों ना हो, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक सिंपल से एक साधारण सा नागरिक के भी जो कह सकते हो ना कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी होती है और डिग्निटी होती है, उसका जो है हनन या क्षय सरकार भी नहीं कर सकती। आगे है पार्लियामेंटरी सिस्टम। देखो बहुत सारे सिस्टम हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वगैरह भी है, पार्लियामेंट्री है, मोनार्की है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं इस तंत्र को, इस व्यवस्था को चलाने के लिए। तो भारत ने आज़ादी के बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया और यही सिस्टम जो है कंटिन्यू रहेगा एज इट इज़। दूसरा है रूल ऑफ लॉ। अब ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार आ गई है जो मनमाने आ रहा है वो कर रहा है, नहीं। हमेशा जो भी भारत में या फिर कह सकते हो कि देश में नियम होंगे, उसी के अनुसार पूरी की पूरी शासन प्रणाली। ऐसा नहीं कि कोई पुलिस है, कोई भी बड़े अधिकारी है, तो किसी भी गरीब को या फिर किसी भी व्यक्ति को जो उससे सबॉर्डिनेट है सस्पेंड कर दिए या फिर उसे हटा दिए या फिर किसी को भी किसी केस में फंसा कर जेल में डाल दिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो रूल ऑफ लॉ, अब जैसे किसी कोई व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है तो उसे सज़ा भी नियमों के अनुसार मिलना चाहिए कि अगर ऐसा कोई चोरी किया है तो उसकी सज़ा कितनी साल की होनी चाहिए, कितने महीने की होनी चाहिए, कोई मर्डर किया है या कोई अदर हीनियस क्राइम किया है, तो उस हिसाब से और वह जो संविधान में वर्णित है, वह जो लॉ में लिखा गया है, उसी के अनुसार से उन्हें जो है सज़ा मिलेगा। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ कहते हैं कि सभी के लिए जो है नियमावली बनाई गई है और उसी नियमावली के आधार पर जो है उसे जो है दंड देना या फिर जो भी कह सकते हो कि नियम है, उसी से सरकार भी चलती है, न्यायालय भी चलता। अब न्यायालय वगैरह में क्या है, कई बार जो है उन्हें क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है तो कुछ इंटरप्रिटेशन देते हैं, लेकिन मोर और लेस जजमेंट भी आता है प्रिटेंशंस के आधार पर कि अब तक जो फैसले सुनाए गए हैं उसमें कितनी सजाएं मतलब वगैरह मिली है, तो ये सब भी चीज़ें देखी जाती है जब जज जो है फैसला सुनाते हैं। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी। देखो सभी लोग समान है, रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड एंड कम्युनिटी। ठीक है, रीजन, रिलीजन, ठीक है, किसी भी क्षेत्र, जाति, संप्रदाय से कोई भी क्यों ना आता हो, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार वो सभी जो है भारत के संवैधानिक दृष्टि के अनुसार वो सभी लोग समान हैं, बराबर हैं। आगे है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था में या जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ही चाहिए। अगर अनफेयर और कह सकते हो कि मल प्रैक्टिसेस अपनाए जाएंगे तो वहाँ लोकतंत्र सर्वाइव और जीवित नहीं रहेगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मूलभूत हैं, फाउंडेशनल चीज़ें हैं, जिसे आप बेसिक चीज़ें भी कह सकते हैं ना, कि जो बेस है उसी से बेसिक बनता है,
वो है पूरे के पूरे हमारे संविधान में ऐसे बहुत सारे और चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एंड जजमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जो है, कल हमने बात किया था कि कैसे भारत की जो रिपब्लिक है, सोवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, ये सब सारी चीज़ें जो है किस प्रकार से जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत आता है। तो पूरी की पूरी जो है ये लगभग लगभग और सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम अभी से यहीं कंक्लूड करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।